तुम आज जो भी हो वो अपनी वजह से हो, क्योंकि तुम्हारे 2 साल पहले के रूप ने दिन रात मुठ मार के समय बर्बाद किया था, दिन रात गेम्स खेल के समय बर्बाद किया था, वर्कआउट पे ध्यान नहीं दिया था, जंक फूड खाया था, इसलिए आज तुम एक फैट डिप्रेस्ड पोर एंड एडिक्ट हो। तुमने क्योंकि पास्ट में अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस किया और वो बैड हैबिट्स को किया, इसलिए तुम आज करंट में सफर कर रहे हो। अगर तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आज को सैक्रिफाइस कर दोगे, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम पे प्राउड फील करेगा। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ इस तरह का होता है कि तुम एक तरह की पेंटिंग बना रहे हो एक ब्यूटीफुल कैनवस पर, एंड तुम पेंटिंग किस तरह की बनाओगे 2 साल लगाकर, 1 दिन लगाकर, 6 महीने लगाकर, वही डिपेंड करेगी कि वो पेंटिंग 6 मंथ बाद कैसे दिख रही है। मैं यहाँ पर पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी अपनी बात कर रहा हूँ। पेंटिंग करने से पहले चाहिए होता है अच्छी क्वालिटी का ब्रश, अच्छी क्वालिटी का पेंट, ताकि पेंटिंग अच्छी दिखे, एंड साथ ही साथ चाहिए होता है स्किल, साथ ही साथ चाहिए होता है किस तरह से पेंट करना, क्योंकि अगर सब लोग एक तरह की पेंटिंग करेंगे तो किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। 5 इजी स्टेप्स जिससे तुम अभी के अभी अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पर निकल सकते हो। द नंबर फिफ्थ स्टेप जिससे तुम अभी के अभी अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे फर्स्ट कदम रख सकते हो, वो है बाय स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स। वेट से मेरा सिंपल मतलब है किसी भी तरह की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो होती है जिसमें तुम्हारा मसल टूटता है और मसल दोबारा से बनता है। कहने को तो तुम्हारा मसल चलते चलते भी थोड़ा बहुत टूट रहा है, पर मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हें जैक्ड बनाती हैं, बिग बनाती हैं, मैस्कुलिन बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं? जिम में वेट उठाना, घर पर कैलिस्थेनिक्स करना। मैं तुम्हें एक ही चीज़ कहूँगा करने को, एंड वो है जिम में जाना। जिम में नहीं जा सकते तब तुम घर पर ट्राई करो, पर लेकिन अगर तुम बोल रहे हो कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, एंड तुम घर पे भी नहीं कर रहे हो, जिम पे भी नहीं, तो भाई प्लीज़ ज़्यादा नहीं पुशअप एंड पुलअप्स मारना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है वो तुम्हारे मूड को बहुत कंट्रोल रखती है। मैं अराउंड डेढ़ साल से एक बार भी लो मूड पे नहीं गया हूँ, एंड देर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट पैटर्न इन माई लाइफ फ्रॉम पास्ट 4 ईयर्स। जब भी मैं जिम जाना छोड़ता हूँ, चाहे वो कोविड की वजह से हो, अपनी गलती की वजह से हो, उस टाइम पर मेरे को कोई भी नेगेटिव चीज़ अफेक्ट करे तो बहुत ज़्यादा करती है। जब मैं जिम रेगुलरली जाता हूँ, मेरे को कोई भी चीज़ नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करती है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है, साइंटिफिक रीजन्स भी हैं, लाइक तुम्हारे दिमाग में सेरोटोनिन निकलना, ऑल दैट स्टफ, बट कुछ मैस्कुलिनिटी होती है हर एक मर्द के अंदर, हर एक बॉय के अंदर, जो कि आज के मॉडर्न एरा में तुम किसी भी वे में नहीं निकाल सकते हो। लाइक ना तुम आज के टाइम पे हंटिंग करते हो, ना ही तुम कॉम्बैट करते हो, तुम कुछ भी नहीं करते हो, तुम बस कॉलेज में जाते हो, बाद में तुम 9 to 5 जॉब में जाते हो, एंड तुम कोई मैस्कुलिन एक्टिविटी नहीं कर पाते हो। मैस्कुलिन एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसका इजिएस्ट तरीका, सेफेस्ट तरीका वो है जिम। वह तुम करने को खेत में काम कर सकते हो, किसी के साथ लिटरली कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जा सकते हो लाइक बॉक्सिंग एक्सेट्रा, पर मेरे को पता है 99% के लिए तो ये इम्पॉसिबल है, वो तो ये वीडियो देखकर बंद कर देंगे, जिम भी नहीं जाएंगे, ये तो मैं बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा हूँ। पर तुम ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट पुशअप एंड पुलअप मार सकते हो। पुशअप एंड पुलअप या एक्सरसाइज अगर तुम करने का सोच रहे हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे दबा देना, मैंने वहाँ पर पूरा समझाया तुम्हें कि जिम कैसे जाते हैं, डाइट क्या मेंटेन करते हैं, एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, सब कुछ है उसमें। क्योंकि अगर तुम जिम जाओगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ फकअप नहीं होगी। यहीं से मेरा 4th पॉइंट शुरू होता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ही तुम्हारी मेंटल हेल्थ है। इस वक्त तुम्हें ये वीडियो देख के मोटिवेशन आ सकती है, या तुम कुछ कर रहे हो मोटिवेशन आ सकती है, किसी रैंडम डे ही तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट का मन कर सकता है। पर प्रॉब्लम पता क्या है, तुम्हारा पूरा साल 365 दिन 7 हफ्ते सुबह शाम मन नहीं करने वाला है। हो सकता है कभी तुम्हारा मन ना करे, कभी तुम मुठ मार के ताजा हटे हो एंड तुम्हें बस जिंदगी में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे मोमेंट्स में यू नीड टू हैव अ वेल बैलेंस्ड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से मेरा मतलब है तुम्हें कम से कम एंग्जाइटी होनी चाहिए, कम से कम डिप्रेसिंग सिम्टम्स होने चाहिए, तुम्हें खुद को लेकर नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, एंड तुम्हें अपने अराउंड की चीज़ों के लेकर ग्रेटफुल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज के टाइम पर तुम्हारे पास एक छत है, 4 दीवार है, एक बेड है, अपना कमरा है, तो तुमसे बड़ा ग्रेटफुल बंदा कोई नहीं है। क्योंकि ना ही तुम्हारे पास एज है, तुम्हारे पास एक हेल्दी बॉडी है, बट तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से इतना प्यारा गिफ्ट मिला है जो कि है एक रूफ ओवर द हेड एंड बेड टू स्लीप ऑन। पर हम मोस्ट ऑफ द पीपल जानते भी नहीं है ये क्या चीज़ है। लाइक तुम्हें इस चीज़ का एहसास अभी ये वीडियो देखकर हुआ होगा कि हाँ यार, मेरे लिए तो ये रोज की चीज़ हो गई है, मैं तो ध्यान भी नहीं देता हूँ, मेरे पास ये सब है। एंड तुम्हें पता है 99% लोग ध्यान नहीं देते, उनके पास क्या है वो सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, वो उनके पास क्या नहीं है। एंड किसी चीज़ को चेज करना इज़ एन एक्सीलेंट थिंग, अ मैस्कुलिन थिंग, पर लेकिन अपनी करंट की चीज़ों को लेकर हैप्पी फील करना, ग्रेटफुल फील करना, तुम्हारी सेल्फ इमेज बहुत इंप्रूव करता है। एंड तुम्हारे पास जितनी करंट चीज़ को लेकर खुशी होगी, उतना ही तुम बूस्ट होते हो टू गेट न्यू थिंग्स। अगर तुम्हें करंटली लेवल पे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है, ये वो ऑल दैट स्टफ, डिप्रेसिंग स्टफ जो होता है, तो तुम कभी भी नई चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, नई चीज़ के पीछे ग्राइंड नहीं कर पाओगे, हसल नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपनी मेंटल हेल्थ पे आज क्या वर्क करना शुरू करो। एंड द फर्स्ट स्टेप टू फिक्स योर मेंटल हेल्थ, लाइक
परफेक्ट एक्शनेबल प्लान है। एक पीस ऑफ पेपर लो, सुबह उठते ही 10 लाइनें या 5 लाइनें लिख दो। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस चेयर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस हुड, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जैकेट। करोड़ों चीजें हैं। ये चीज तुम सुबह लिखो और शाम को लिखो, एंड ट्रस्ट मी, 2 हफ्तों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर अंदर तुमको इनसेन लेवल ऑफ मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस नजर आएगी। जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं वो पता कर पाएंगे कि वाह यार, इस बंदे का तो पूरा सोचने का नजरिया बदल गया। क्योंकि अगर तुम करंट की चीज़ों को लेके हैप्पी नहीं होगे तो तुम कभी हैप्पी नहीं हो सकते। जो खुशी तुम्हें अभी नहीं मिलेगी वो कभी भी नहीं मिलेगी। हंसी आती देख के 18-19 साल की उम्र में लोग कूल समझ रहे हैं खुद को डिप्रेस्ड होके। स्टॉप बींग इन दैट मेंटेलिटी जहाँ पर तुम डिप्रेशन एक नॉर्मल चीज़ समझो, एक कूल चीज़ समझो। डिप्रेशन एक गंदी बीमारी है, उस पे छाती चौड़ी कर हमला करो, उसको हराओ। एंड द फर्स्ट स्टेप टू डिफीट डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी, ऑल दैट मेंटल इलनेस इज स्टार्ट ग्रेटफुल जर्नलिंग। सुबह और शाम को 5 ऐसी चीजें लिखो जिसके लिए तुम खुश हो, जो कि तुम्हारे पास है। एंड द सेकेंड थिंग जो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकती है वो है मेडिटेशन। जितना इफेक्ट मेडिटेशन दिमाग की केमिस्ट्री पे लाती है, लाइक ब्रेन का साइज बड़ा छोटा कर देना। बहुत गिने चुने ड्रग्स हैं लाइक कोकेन एटसेट्रा एटसेट्रा जो कि तुम्हारे ब्रेन का साइज छोटा या बड़ा कर देते हैं, एंड वो कितने ज्यादा इलीगल हैं, कितने हार्मफुल हैं, एंड कितना गंदी चीज है। वेयर एज मेडिटेशन एक ऐसी चीज जो कि फ्री टू यूज है, किसी को पैसे नहीं देने, कोई कोर्स नहीं खरीदना, अपने ऐस पर बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, पूरा दिन, पूरी जिंदगी, जितनी देर मन करे उतनी देर आंखें बंद करके अपनी बस सांस पर फोकस करना, जो थॉट आ रही है उसको सोचते जाना है। ट्रस्ट मी, मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट सुपर वेपन जो हर एक यंग मैन को यूज करनी चाहिए। मेडिटेशन बहुत तरह की होती है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ तरह की होती है। तुम्हें जो करनी है वो करो, पर जो मैं इजीएस्ट बता रहा हूँ वो जमीन पर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, फोकस ऑन योर डीप ब्रेथ्स, जो दिमाग में थॉट आ रही है उसको आने दो, उसको जज करो कि वो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसको फील करो, एंड तुम्हारे काफी सारे हिडन ट्रॉमास जो कि बचपन से बिल्डअप हो रहे हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। नंबर थर्ड, गो ऑन अ नोफैप। नोफैप एक बेसिक चीज है जो कि हर यंग मैन के पास होनी चाहिए, पर कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, सो बेसिक थिंग्स आर ऑल्सो नॉट सो बेसिक। क्योंकि सबको पता है नोफैप करना चाहिए, पोर्न नहीं देखना चाहिए, स्टिल कितने लोग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सब देख रहे हैं। अगर तुम्हें पोर्न एडिक्शन से हटना है, मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, स्पेशल नोफैप डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। नोफैप से नफरत करना शुरू कर दो मेरे भाइयों, नोफैप से सिर्फ मिजरी आती है। नोफैप सिर्फ इसलिए फ्री होता है क्योंकि तुम बदले में अपनी आत्मा एक्सचेंज करते हो उसके साथ। सो अभी के अभी नोफैप की जर्नी पे जाओ, एंड यू विल बिकम अ नॉर्मल पर्सन वंस अगेन। एंड नोफैप तुम्हारे पिछले पॉइंट से भी लिंक है जो कि है मेंटल हेल्थ की, एंड अब अगले पॉइंट से भी लिंक होने वाली है। वीडियो को यहां तक देख लिया तो मेक श्योर यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। नंबर सेकंड एडवाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यंग मैन, वो है गोल बनाना, एक गोल कार्ड बनाना, एक सेट ऑफ टास्क डेवलप करना। वो बहुत सिंपल हो सकता है, इतना भी हो सकता है कि तुम सुबह उठ के अपना बिस्तरा बनाओगे, पर किसी तरह की डायरेक्शन यू नीड टू हैव इट इन योर लाइफ। डायरेक्शन का काम रिलीजन्स कर देते थे कि तुम्हें किस तरह का ह्यूमन बीइंग बनना, ऑल दैट स्टफ, लाइक लिटरली एक यूजर मैनुअल का काम करते थे रिलीजन्स। पर आज के टाइम पे कितने लोग हम में से रिलीजियस हैं, या है भी हैं तो कितना उसका एक्चुअल मीनिंग ले रहे हैं। इसीलिए खुद अकाउंटेबिलिटी लो, जिस तरह स्कूल में तुम्हें एक टाइम टेबल मिलता था उसी तरह से अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ। तुमने क्या करना है, कैसे करना है, उसको अपने कंट्रोल के हिसाब से करो। ये चीज़ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम ये जो ज़ोंबी वाली थिंकिंग है ना, जिसमें तुम मोबाइल खोलते हो, फ्रिज में जाते हो, फ्रिज खोलते हो, किचन में घूमते हो, बेड पे आते हो, बेड पे लेटते हो, ऐसे घूमते हो, वैसे घूमते हो, थोड़ा स्क्रॉल करते हो, एंड पता नहीं लगता सुबह से शाम कब हो गई, रात से दिन कब हो गया। रात की थोड़ी सी मोटिवेशन आती है, दिन को उठते ही मोटिवेशन गायब, एंड इसी सर्कल में सालों साल बीत जाते हैं, पता नहीं लगता क्या हो रहा है। इसको ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका ही है, यू नीड टू बिल्ड अ गोल कार्ड। गोल कार्ड या एक्शनेबल कार्ड या टाइम टेबल, कुछ भी कह लो, यू नीड दैट। किसी भी तरह की ऐसी लाइट चाहिए जो कि तुम खुद जलाओ, जिसको तुम फॉलो कर सको। अगर तुम्हें बहुत सिंपल सी चीज चाहिए तो अभी सोने से पहले रात को वीडियो देख रहे हो तो 3 चीजें लिख लो जो तुमने कल करनी है, कुछ भी लिख लो, पोटी करनी है, मुंह धोना है, शेव करनी है, दैट इज इट, एंड वो करके ही रहो अगले दिन। बाद में फ्यूचर में बड़े बड़े गोल लिख लेना, अभी के लिए सिर्फ इतना सा भी लिख लोगे ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारा कल का दिन बहुत ज्यादा अवेयरनेस के साथ जाएगा, होशो हवास में जाएगा, एंड ये बेहोशी जो होती है दिमाग की, जो तुम्हें लिटरली ज़ोंबी जैसा फील करा रही है, वो खत्म हो जाएगी। और अगर तुम्हें एक्चुअली में जानना गोल कार्ड होता क्या, ये बहुत, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू क्रिएट अ गोल कार्ड जिससे तुम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सको। बट फॉर राइट नाउ, एक पीस ऑफ पेपर लो, पेन लो, एंड कुछ भी 3 या 4 चीजें, चाहे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, चाहे नेक्स्ट 5 मिनट्स, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कुछ भी लिखो एंड उनको करो। ऐसा फील करो कि हाँ,
ये चीजें हैं, मैंने अपनी मर्जी से की, मेरे मम्मी पापा ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, उठा मैं और की। एंड वो बहुत जरूरी है, जब तुम अपनी लाइफ को अपने हाथों से पकड़ लो एंड खुद कंट्रोल करो। एंड ये एक या दो चीजें भी मोमेंटम बनाती हैं, एंड मोमेंटम इस लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, बिना मोमेंटम के कुछ नहीं होता। मतलब ना, हार्डेस्ट से हार्डेस्ट चीज करना आसान हो जाती है, अगर तुम उसको छोड़ के हट जाओ तो ईजिएस्ट से ईजिएस्ट चीज जो है वो तुम्हें इतनी मुश्किल लगने लग पड़ती है। इसीलिए मेरे भाई, मोमेंटम बनाने के लिए फर्स्ट चीज ये करो कि एक छोटा सा प्लानर बनाओ अपने लिए कि मैं ये चीज करूंगा, एंड अकाउंटेबल रहो उसके साथ। एंड द नंबर वन एडवाइस, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, वो है अवेयरनेस, तुम्हारी आंखों का खुलना, तुम्हें द ट्रूथ पता होना। लेट मी टेल यू अ ट्रूथ, जो कि तुम्हें बचपन से किसी ने नहीं बताया, तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं बताया, तुम्हारे दादा दादी को नहीं बताया, उससे पहले मैं भी बताया हूँ। द ट्रूथ इज, तुम सबको पता है जहां पर तुम रह रहे हो, चाहे तुम पाकिस्तान में रह रहे हो, नेपाल में, इंडिया में, हम सब पे एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ इन्वेजन्स हुई हैं। हंड्रेड्स, कितने सारे लोगों का कोल्ड ब्लड मर्डर हुआ है, कितने सारे लोगों के साथ कितनी एट्रोसिटीज हुई हैं, कितनी औरतों के साथ क्या क्या हुआ है, बेसिकली कितनी सारी ब्लड लाइन्स फ्यूचर में रेसिप्रोकेट नहीं हो पाई, कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाई, कभी भी न्यू बर्थ्स नहीं हुई। तुम अगर इस वक्त वीडियो देख रहे हो, मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, वी आर द लकी फ्यू पीपल जो कि आज भी अलाइव हैं। तुम समझ रहे हो हमारे एंसेस्टर्स कितने बैडएस होंगे जो आज हम अलाइव हैं, एक स्वतंत्र देश में हैं, एंड अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करने का मौका पा रहे हैं। आज हमें कोई बड़ा युद्ध नहीं देखना पड़ रहा है, आज हमें कोई इन्वेजन के अंडर नहीं रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स इतने बैडएस थे दैट उन्होंने ना ही देश को आज़ाद करवाया, खुद को आजाद करवाया, मेंटल स्लेव मेंटालिटी को कम किया, बट अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया। एंड द फैक्ट कि तुम 20-21 साल की उम्र में होप हार चुके हो, एंड अजीब अजीब बातें करते हो कि मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जस्ट अपने फोर फादर्स के बारे में सोचो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी 4-5 जनरेशन पहले एक भी वीक मैन होगा। अगर वीक मैन होता वो सब खत्म है, उनकी जनरेशन आगे बढ़ी ही नहीं है लीनिएजेस। अगर तुम आज जीवित हो तो सिर्फ इसलिए जीवित हो क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन में तुम्हारा कोई ना कोई पड़ दादा बैडएस था, जो कि औरतों को लेके गुफा में भाग जाता था, जो कि किसी ना किसी तरह से तुम्हारे पड़ दादा को या अपने बेटे को पाल रहा था, जो किसी ना किसी तरह से तुम्हारी पड़ दादी पड़ नानी को पाल रहा था, और किसी ना किसी तरह से फैमिली के लिए प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कर रहा था। सो प्लीज वेक अप राइट नाउ, एंड खुद के बारे में इतनी नेगेटिव सेल्फ इमेज मत लो। यू आर अ पर्सन जो कि एक वॉरियर ब्लड लाइन को बिलोंग करता है। आज जापान में पता क्या हालत हो गई है, बूढ़ों के डायपर ज्यादा बिक रहे हैं कंपेयर टू यंग पीपल के डायपर के, मतलब बूढ़े ज्यादा हो चुके हैं कंपेयर टू यंग पीपल। क्या तुम चाहोगे तुम्हारे नेशन के साथ ये हो? क्या तुम चाहोगे तुम्हारे एंसेस्टर्स ने इतना कुछ किया एंड तुम उनको बदले में ये गिफ्ट दो कि यंग मैन को वुमेन तक ना मिल पाए, ओल्ड पीपल का रेशो ज्यादा हो जाए यंग मैन से? जापान में इसका बिगेस्ट रीजन कहा जाता है ये वीब मेंटेलिटी, जो लोग सिर्फ एनीमे देखते हैं, बेसमेंट्स में रहते हैं अपनी फैमिली के, 25-30 साल के हो गए हैं, वुमेन का टच तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। वहां की वुमेन व्हाइट मैन के पीछे भाग रही है एंड उन मैन को कोई पूछ भी नहीं रहा है क्योंकि वो इतने अनफिट हो चुके हैं, इतने अनहेल्दी हो चुके हैं कि एक वुमेन अपना एग भी उनको देना वर्थ इट नहीं समझ रही है। जापान में पॉपुलेशन कलैप्स आ चुका है। डू यू वॉन्ट कि वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के साथ हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन जगहों के साथ हो? मैं तो ऐसा कभी नहीं चाह सकता क्योंकि मेरे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं वो इस चीज के लिए नहीं दिए। एंड द फर्स्ट स्टेप जिससे तुम ये चीज को वर्थ इट रख सकते हो वो है बाय अंडरस्टैंडिंग कि तुम एक वॉरियर रेस को बिलोंग करते हो। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे एंसेस्टर्स बहुत महान थे, उनका 1% भी बन जाओगे ना तो मेरे जैसी बुलशिट वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां पर मैं हर वीडियो में एक ही बात रिपीट कर रहा होता। एंड जो मैंने जापान की बात कही ना, पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां की वुमेन वहां के मैन को अट्रैक्टिव ही नहीं समझती है। एंड अट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फेस। अगर तुम्हें अपने फेस पर वर्क करना है, यहाँ की वीडियो पर अभी दबा कर देख लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Then as usual, to sit everyone, jaagte raho.